खबर पर आती है, जब मैं आपके साथ में किया ही नजर आते हैं आज की खबर पे। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 1,30,00,000 की चरस के साथ अंतर जाति महिला गिरफ्तार। जनपद चंदौली के रास्ते झारखंड से मादक पदार्थों की तस्करी कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ले जाने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चंदौली संतोष कुमार सिंह द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त लोगों पर प्रभावी कार्यवाही का निर्देश दिया गया था, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी सदर प्रदीप सिंह चंदेल के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शिवानंद मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुगलसराय तथा मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा झारखंड निवासी 4 सातिर महिला तस्करों के पास से 12 किलो 930 ग्राम नाजायज चरस के साथ मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 1,30,00,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार महिला तस्करों से पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया तो महिलाओं ने बताया, इससे पहले भी हम 3 बार पंजाब के अमला में नाजायज चरस पहुंचा चुके हैं, आज चौथी बार था लेकिन हम लोग पकड़े गए। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इनके सरगना को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साहबगंज से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। ये चंदौली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है बीती रात, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर चंदौली, महिला सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुगलसराय, इनके नेतृत्व में पहले से अभिसूचना थी कि एक महिलाओं का ग्रुप है जो चरस की तस्करी पंजाब में करता है, झारखंड से ले जा करके। उसी अभिसूचना के आधार पर बीती रात 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से लगभग 13 किलोग्राम चरस, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है, बरामद किया गया है। कहाँ से ये ले आ रही थी और कहाँ ले जा रही थी? ये चारों महिलाएं चतरा झारखंड की हैं और ये अम्बाला में सप्लाई करती हैं, और शुरुआत इन्होंने बस से की थी, झारखंड से सासाराम तक बस से आई, बस से इसके बाद सासाराम से इन्होंने ट्रेन पकड़ा और मुगलसराय आउटर पर उतर करके ये मुगलसराय से ऑटो पकड़ कर बनारस जाती और वहाँ से फिर अम्बाला के लिए ट्रेन पकड़ती। इनका कुछ पहले का भी इतिहास रहा है, ये पहले से भी तस्करी करती रही हैं? कुछ पूछताछ में इन्होंने बताया कि अब तक लगभग 4 बार इन्होंने अम्बाला में आपूर्ति की है। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।